We'll be right back.
नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा की। सैन फ्रांसिस्को में भारत मूल के विद्यार्थियों और आमजन को संबोधित करते हुए उन्हें साफ कहा कि देश में स्थितियां बिल्कुल अलग हैं, जैसा बताया जाता है वैसे नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि अगर भगवान भी नहीं जानता, वो सारी चीजें वो जानते हैं, उनमें से एक प्रधानमंत्री भी हैं। इस पर बीजेपी आग बबूला है, और बीजेपी नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी फर्जी गांधी हैं और देश की धरती पे बोलते नहीं है, विदेश में जाकर के देश का अपमान करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे आरोप लगाना देश का अपमान है। चलिए चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ भारत में इकबाल कांग्रेस से जुड़े हैं, सुरेश गर्ग जी हमारे साथ में भाजपा से हैं, और हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचोली हमारे साथ जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। भारत, बीजेपी ने साफ कहा है कि राहुल गांधी फर्जी हैं, फर्जी तरीके से वहां जाके बयान करते हैं, दुनिया उन्हें मोदी को बॉस मानती है और वो लॉस कर रहे हैं वहां जाके। योगी जी, देखिए, राहुल गांधी जी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो जो सवाल होते हैं उन सवालों से घबराते नहीं है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी घबराते हैं। सैन फ्रांसिस्को में जो सवाल पूछे गए राहुल गांधी जी ने उन सवालों पे जवाब दिया, और उस सवालों पे उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक की, उन सभी यात्राओं में जो उन्होंने अनुभव किया इस देश के बारे में, इस देश के लोगों के बारे में, उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया। और जो अभी आप व्यक्तित्व बता रहे थे, उस पर राहुल गांधी जी ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सेना को बता देते हैं कि रडार किस तरीके से काम कर रहा है, काम नहीं कर रहा। वो हर एक वर्ग को, हर एक व्यक्ति को ये बताना चाहते हैं कि मैं सर्वगुण हूं, मैं सर्वगुण और मुझे आपसे ज्यादा नॉलेज है। तो उन्होंने इसी बात पर एक कोट करते हुए मजाकीय तौर पर कहा कि यदि भगवान भी आ जाए तो वो उनको भी ये कहने लगेंगे कि नहीं, आप मेरी बात सुनिए, मैं सुपीरियर हूं, मैं सब कुछ बता सकता हूं। और वो उन्होंने उनके व्यक्तित्व में ये चीजें बात की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ये काम रहा है कि वो राहुल गांधी जी पर कटाक्ष करें, राहुल गांधी जी पर उन चीजों को लाकर थोपे जो कि वो कभी कहते नहीं है, और उसमें अब इनको महारत हासिल होने वाली नहीं है। क्योंकि आज जिस तरीके से अमेरिका में लोगों ने सुना, लोगों ने उठकर वहां लव यू पाजी उनको कहा, और उनकी जो बातें थी वो बातें वो जो सत्य बता रही थी कि आज देश के जो हालात है, आज बेरोजगारी पर भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करती, आज दलित और सभी माइनॉरिटी की जिस तरीके से स्थिति हो रखी है, जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग किया जा रहा है लोगों को दबाने के लिए, जिस तरीके से धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, उस सब की स्थिति को आज राहुल गांधी जी ने बताया है। और वो हमेशा कहते हैं, सुरेश गर्ग साहब जवाब देंगे इस पे, सुरेश गर्ग साहब जवाब दे रहे हैं आपको। गर्ग साहब, आपने सुना अभी भरत मेघवाल ने जो कहा, आपकी पार्टी इस पे काफी आक्रामक है कि राहुल गांधी विदेश की धरती पे जाकर के मोदी जी पे आरोप लगाते हैं तो राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए योगेंद्र जी, ये राहुल गांधी जी बचकानी हरकतें करते आए। पहले लंदन में भी जाके भारत का अपमान किया, और अब अमेरिका में जाके भारत का अपमान कर रहे हैं। पूरा विश्व मोदी जी को मानता है, आज पूरा विश्व मोदी जी को बोस कहता है। आज ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब मोदी जी गए तो उनको बोस बोला जाता है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति मिलते हैं तो वो कहते हैं कि मैं आपकी ऑटोग्राफ लेना चाहता हूँ। तो जो विश्व प्रसिद्ध लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जो भारत के जन जन के जो मसीहा है, उनको वो बाहर जाके मतलब अपमान करते हैं, तो ये दुर्भाग्य की बात है। राहुल गांधी जी को न तो कांग्रेस सिंसियर लेती है, न जनता सिंसियर लेती है। लेकिन अब दुर्भाग्य देश का कि वो इस तरह के नेता हैं जो बाहर जाके, आप हिंदुस्तान में क्यों नहीं बोल पाते? और फिर जहां तक महंगाई की इनकी बातें करते हैं, आज जनता गुस्से, जनता को हमने जो राहत और जो 9 साल के अंदर विकास के जो काम किए हैं वो जनता के सामने, आज मोदी जी अजमेर के अंदर आए, आज लाखों की भीड़, 3 लाख से ज्यादा लोग बाग वहां पर थे और मोदी मोदी कर रहे थे। मतलब आप ये देखिए कि किस तरह से मोदी में पूरा अजमेर हुआ था, आप लाखों की भीड़ यहाँ पे आई थी, और हर व्यक्ति ये कह रहा था कि मोदी है तो मुमकिन है। आज देश में 9 साल के अंदर जो विकास की जो गंगा बही है वो मोदी जी की वजह से संभव हो चुका है। उज्ज्वला योजना हो, चाहे आपको रोडों का विकास हो, चाहे बिजली का विकास हो, आज इलेक्ट्रिफिकेशन जो 33% हुआ करता था, आज 90% के आसपास इलेक्ट्रिफिकेशन है। रोडवेज, हाईवेज, जो अनजय चीजें, उज्ज्वला योजना है या स्वच्छ भारत योजना है, या आपको घरों मतलब महिलाओं को जो घर देने का बात है, शौचालय देने, कई अनेक तरीके की विकास योजनाएं चाहिए। आप ये देखिए कि मोदी जी ने आज यहाँ पे बोला है कि भाई आज हमने विकास की जो गंगा बहाई है, ये 50 साल पहले भी एक नारा लगाते थे गरीबी मिटाओ, 50 साल से एक नारा लगा रखा है इन्होंने गरीबी मिटाओ, लेकिन इन्होंने गरीबी मिटाई नहीं है, जनता को बेवकूफ बनाया है। और मोदी जी ने विकास की गंगा बहाई है, और उस विकास की गंगा से आज पूरा विश्व मोदी जी को मोदी मोदी कहते हैं और बॉस बोलता है। जी योगेंद्र, आपके पास मैं आना चाहूंगा कि पहले लंदन में और अब अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में अपने भारत मूल के लोगों के बीच में सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मोदी जी, जैसे अभी भरत कह रहे हैं कि अपने आप को बहुत सुपीरियर मान के चलते हैं, अगर भगवान भी उनके पास में बैठ जाएं तो उनको भी बता दें कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई थी और
क्या उसमें भगवान का रोल था वो भगवान को भी बता सकते हैं। यानी कि वो सीधा एक इनडायरेक्टली एक तंज था मोदी पे, और उनका ये भी कहना था कि देश में कुछ लोग ऐसा मान के चलते हैं कि जो कुछ हुआ है वो मैं ही कर रहा हूं, उनमें से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वहां बोलने की जिस तरह से बातें कही जाती हैं बोलने नहीं दिया जाता है। तो क्या माना जाए इसे कि विदेश की धरती पे जाकर के राहुल गांधी एक पूरी तरह से अपना एक मंच जो है उसे शेयर करना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, एक इस तरह की बात जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि निडर हैं, उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि सच्चाई से वो पीछे नहीं हटते हैं। देखिए योगेंद्र जी, दो चीजें हैं, विदेश की धरती है और विदेश की धरती पर अगर हिंदुस्तान की बात की जाए वो सही है, लेकिन अगर इस तरह से छिटक से होती है तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर देश की जो छवि है वो भी धूमिल होती है, पहली बात। लेकिन वहां पर वो 6 दिन से वहां पर है और अलग अलग है, भारतीय मूल के लोग हैं, उनसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं कई कार्यक्रमों में भी, लेकिन वहां पर जिस तरह की बयानबाजी हुई उसके बाद अब राजस्थान या देश की राजनीति में उबाल सा देखने को मिल रहा है। एक जगह तो ये भी शिकायत आ रही है कि कैलिफोर्निया में ही कहीं उन्होंने कोई कार्यक्रम किया था, वहां पर खालिस्तान के झंडे भी लहरा दिए गए, और इसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं। लेकिन दूसरी तरफ आज आपने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कांग्रेस पर तंज किया कि 185% जो पैसा है कांग्रेस भ्रष्टाचार के साथ उसे ले जाती है, आज वो पुरानी 50 साल पुरानी जो स्थितियां हैं कि 50 साल से कांग्रेस ने राज किया वही चीजें वापस घूम के आ रही है। बीजेपी भी ऐसे ही तंज कर रही है और कांग्रेस भी ऐसे ही कर रही है कि मोदी तो कुछ भी कर सकते हैं, वो भगवान को भी दिशा दे सकते हैं। यानी जो देश की राजनीति है वो किस तरह से डाइवर्ट हो रही है, धर्म के नाम पर हो रही है, या फिर क्योंकि अल्पसंख्यकों को लेकर भी राहुल गांधी ने बयान दे दिया वो भी एक नया विवाद हो गया, उधर से उन्हें दूसरी तरफ बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री हैं वो उन पर पलटवार कर रहे हैं। यानी विदेश की धरती पर हिंदुस्तान की कहीं ना कहीं नेगेटिव एक छवि जो है सामने आ रही है, तो इससे राहुल गांधी को भी बचना चाहिए। और क्योंकि विदेश की धरती पर का मामला है, हालांकि जब भी नरेंद्र मोदी भी जाते हैं तो वहां पर अपने लोगों से मिलते हैं, भारतीय मूल के लोगों से मिलते हैं, वो अपना यहाँ जो हो रहा है वो बताते हैं, लेकिन चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही नेताओं को हिंदुस्तान की जो छवि है उसे सुधारने के उसे बिगाड़ने के बजाय उसे सुधारने की, क्योंकि अपना एक अलग ही छवि है देश की। जी बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पिछले कुछ सालों से ये तल्खी और तंज एक दूसरे को किस तरह से आईना दिखाने की कोशिश करते हैं, वो चाहे राहुल गांधी हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, वो भी साफ कहते हैं कि देश बदल रहा है, पहले जैसे हालात नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है। कांग्रेस कहती है कि विदेश की धरती पे जाकर के इस तरह की बातें करना मोदी को शोभा नहीं देती। अब अगर राहुल गांधी कहते हैं तो बीजेपी कहती है कि विदेश की धरती पे जाके इस तरह की चर्चा नहीं करनी चाहिए। चलिए मैं आपके पास में आना चाहूंगा भरत, कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिसको लेकर के मानना है कि विदेश की धरती का उपयोग वो बेशक भारत मूल के लोगों के बीच में हो, लेकिन आपको प्लेटफॉर्म विदेश की धरती का मिलता है, उस पे कोई भी पॉलिटिशियन है उसे, यानी कि घर की बात घर में ही खत्म हो, बाहर ले जा करके उसकी चर्चा करना कितना लाजमी है। देखिए योगेश जी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने जो बात कही है, राहुल गांधी जी ने भारतीय जनता पार्टी पर बात की है, राहुल गांधी जी ने उन मुद्दों पर बात की है जो इस देश के अंदर चल रहे हैं। उन्होंने देश के प्रति कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं दिया कि जिससे देश के लिए ये बार बार जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि खराब होगा। उन्होंने, अगर आपने देखा हो तो फेडरलिज्म पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, तब उन्होंने उस चीज पे जवाब दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि यूनियन ऑफ स्टेट एक केंद्र बनाते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है। उसका महत्व क्या था, उसका महत्व उन्होंने आप देखिए कितना बखूबी तरीके से बताया कि इस देश के अंदर जितने भी राज्य हैं, जितनी भी भाषाएं हैं, जितने भी कल्चर है, उन सभी को प्रोटेक्ट करने का काम यूनियन का है, इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया। उन्होंने उसमें एक एक चीज बताई, उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करी। और योगी जी, आपको खुद को ये पता है कि राजीव गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी थे, जिन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिया पंचायती राज में। आज महिलाओं को सशक्त जो राजनीति में भागीदारी मिल रही है, आज देश की जो प्रथम राष्ट्रपति हमारी है द्रौपदी मुर्मू जी, अगर आपको ध्यान हो ये पंचायती राज से ही आकर निकली है, और ये राजीव गांधी की दूरदर्शिता थी। और अभी बार बार आप जो मोदी जी का बखान करते हैं गर्ग साहब, ये 50 साल पहले भारत देश वो देश था जिन्होंने लैंड रिफॉर्म लेके आए, जिन्होंने रियासतों को एक किया, जिन्होंने पीवी पर्स को दूर किया, जिन्होंने ना जाने इस देश को इस हालात में जो छोड़ के गए थे अंग्रेज, उसे यहां तक लाकर पहुंचाया है। और आप उस देश के 75 सालों पर बात करते हैं, शायद गर्ग साहब आपको याद भी नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इस 75 साल का इतिहास पढ़कर आना चाहिए।
किसी मकान को बनाने में सालों लगते हैं, एक दिन में मकान तैयार नहीं होता। और जो 50 सालों की आप बात करें, वो 50 साल का नतीजा है कि इस देश को कांग्रेस ने लोकतंत्र दिया, जिस लोकतंत्र के कारण आज देश के प्रधानमंत्री सिर्फ भ्रष्टाचार दिया, 85% कमीशन की सरकार दी है सिर्फ, कांग्रेस ने कमीशन की सरकार। मैं आपको बता देता हूँ, आपने कहा राहुल गांधी कमीशन की सरकार दी है, आपके राजीव गांधी जी खुद बोल के गए हैं एक रुपया चलता पैसे करप्शन में चला जाता है, वो दिया है आपने सिर्फ। पार्टी में पनपा हुआ है उतना किसी में पनपा हुआ नहीं है आपके यहाँ पे। किसी तरह उदाहरण देख लो ना, आपके मंत्री खुद बोल रहे हैं राजस्थान के अंदर, आपके मंत्री बोल रहे हैं कि कितना करप्शन है राजस्थान के अंदर, कितने घोटाले हो रहे हैं, आप बोल रहे हैं नहीं बोल रहे राजस्थान के अंदर, करिए कार्रवाई मंत्री के ऊपर, कमीशन नहीं जाएगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो मिले हैं कहाँ से मिले ये बता दीजिए आप। कौन की बिल्डिंग के अंदर 2,31,00,000 रुपए मिले हैं, 1 किलो सोना मिला है, वो किसका है बता दीजिए, करप्शन का है और किसका है? और कांग्रेस हमेशा सत्य बोलने के लिए आगे रही है और राजस्थान में यही दुर्दशा होने वाली है। आज मोदी जी जिस तरीके से अजमेर में आके गए हैं, 2018 में भी तो राहुल गांधी जी ने कहा ना, 2018 में मोदी जी आए थे ईआरसीपी के ऊपर बड़ी बड़ी बातें बोल के गए थे, क्या हुआ उन बातों का? और राजस्थान में न जाने कितने दौरे मोदी जी ने किए, लेकिन आज तक राजस्थान की जनता के लिए किसी तरह की कोई बातें नहीं की है। और मोदी जी चाहे राजस्थान में एक नहीं अनेकों बार आ जाए, राजस्थान की जनता आपके जुमलेबाजों से वाकिफ है और राजस्थान की जनता इस बार अपना ध्यय बनाती है। चले, मैं खैर हम बात राजस्थान पे करेंगे, लेकिन फिलहाल तो मैं सैन फ्रांसिस्को में जो बयान दिया राहुल गांधी उसको लेकर के मैं वापस सुरेश गर्ग साहब का रुख करना चाहूंगा। गर्ग साहब, मैं पहले भी ये बात पूछ चुका हूं और एक बार फिर मैं ये जानना चाहूंगा कि ये बात राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि मैं डरने वाला नहीं हूं, मेरे सवाल बेबाक तरीके से चलते रहेंगे, सरकार कितने भी मुझ पर दमन चक्र चलाए या मुझे कितने भी परेशान करने की कोशिश करे, मैं एक आम आदमी की जिंदगी जीते हुए मैं अपना फर्ज अदा करता रहूंगा। देखिए योगेंद्र जी, वो कुछ भी बोले लेकिन देश का अपमान नहीं करे, वो आज विदेश में जाके भारत का अपमान करते हैं ना, ये दुख की बात है। आप ये बताइए कि आज ये बताइए कि राजस्थान में किस तरह से करप्शन फैला हुआ है, 2,31,00,000 रुपए सरकारी कार्यालय के अंदर मिलना, 1 किलो सोना सरकारी कार्यालय के अंदर मिलना, ये दिखाता है कि कितना राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार है, किस तरह से भ्रष्टाचार है। इनके मंत्री खुद बोल रहे हैं कि राजस्थान में साहब भ्रष्टाचार की चरम सीमा है, इनके खुद मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि शिक्षकों के तबादला बिना पैसे के नहीं होता है, इनके मुख्यमंत्री खुद बोल रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर और ठेकेदार मिले हुए हैं, तो करप्शन की पराकाष्ठा राजस्थान के अंदर फैली हुई है, जनता दुखी है, जनता अत्याचार और भ्रष्टाचार से राजस्थान की जनता त्रस्त है 4.5 साल से, और राहुल गांधी जी वही वहां पे विदेश में जाके भारत का फर्जी गांधी क्यों बता रही है, बीजेपी फर्जी गांधी क्यों बता रही है? निश्चित रूप से फर्जी है राहुल गांधी, अगर भारत का अपमान करते हैं तो फर्जी है और क्या है ये, भारत का अपमान विदेश की धरती में जाके, विदेश की धरती में जाके भारत का मान बढ़ाना चाहिए। आज अगर प्रधानमंत्री मोदी जी जाते तो उनको बॉस क्यों बोला जाता है, अगर ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री अगर मोदी जी को बॉस बोलता है, एक प्रधानमंत्री मोदी जी के पैर छीता है तो भारत का मान बढ़ता है नहीं बढ़ता? अमेरिका के राष्ट्रपति कहता है कि मोदी जी मैं आपका ऑटोग्राफ लेना चाहता हूं, भारत का मान बढ़ता है, लेकिन एक फर्जी राहुल गांधी विदेश में जाके भारत का अपमान करता तो ये नहीं है, तो क्या बात है? हमने वीडियो देखी है प्रधानमंत्री जी की किस तरीके से वहां पे हुआ था, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हम नहीं बोलेंगे उनके लिए इस तरह की कोई वीडियो के बारे में टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन राजीव गांधी जी का देखा था आपने किस तरीके से गांधी ने खुद ने बोला है कि 1 रुपया चल के 85 पैसे भ्रष्टाचार में चला जाता है, बोला खुद ने, आप बताइए राहुल गांधी जी ने जो बोला है, समय हो चुका सर उसको आप इनकार करते हो, समय हो चुका गर्ग साहब, समय हो चुका, मैं माफी चाहूंगा। खैर चलिए, राहुल गांधी ने सैन फ्रांसिस्को यूएस में उन्होंने अपनी बात कही है और वहां भारत मूल के जो छात्र हैं उनके बीच में उन्होंने संबोधन किया, उनके जो क्वेश्चन थे उनके आंसर दे रहे थे, इसी दौरान उन्होंने मोदी पर भी तंज कसा और उसी के बाद देश की सियासत में काफी उबाल है, बीजेपी उन्हें फर्जी गांधी भी बता चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।